चैप्टर 7 देख रहे हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे। अलग अलग ऑर्गन्स एक ऑर्गेनिज्म में, उनके अलग अलग काम होते हैं और वो आपस में, क्योंकि अलग अलग हैं लेकिन आपस में एक साथ इस तरीके से काम करते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जिंदगी चलती है, लाइफ चलती है। और ये जो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन से काम हो रहा है, कोऑर्डिनेशन हम उसको कह रहे हैं क्योंकि एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। तो अगर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन ये सही है तब लाइफ अच्छे से चलेगी। तो कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। अब एनिमल्स, इनके नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा हमें बात करनी चाहिए। जो एनिमल के नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम अगर मैं आपसे सीधा बात कहूँ तो आपके दिमाग की बात हो रही है, सर के अंदर जो चीज़ है जिससे सारी चीज़ें चलती हैं। वहीं पर एक आदमी एक आईएएस बनता है, दूसरा जो क्लर्क बनता है, कोई फाइटर पायलट बनता है, तो वो सब दिमाग के ऊपर है कि आपकी शक्ति क्या है, आपकी सोचने समझने की, बात करने की, सब चीज़ें दिमाग से आती हैं। तो नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक जानवर जब देखता है कि उसकी तरफ कोई आ रहा है तो किस तरीके से रिएक्ट करता है, वो रिएक्ट कहाँ से हो रहा होता है, उसके नर्वस सिस्टम से, आँखों से, नर्वस सिस्टम से उसको बचने का या फिर उसको संभलने का मौका मिलता है। एनिमल का जो नर्वस सिस्टम है उसमें न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स बहुत स्पेशलाइज्ड नर्व सेल होते हैं, न्यूरॉन्स। जो न्यूरॉन है वही मिलके आपके दिमाग को बनाते हैं। एक टिपिकल न्यूरॉन को अगर देखा जाए तो उसमें एक सेल बॉडी होती है, ये सेल बॉडी है, ये आपका एक्सॉन है, साथ में डेंड्राइट्स होते हैं। ये जो आपको शाखाएं दिख रही हैं ये डेंड्राइट्स है। सेल की बॉडी में आपको ये न्यूक्लियस मिलेगा, ये न्यूक्लियस है, और डेंड्राइट्स ये इंफॉर्मेशन को भांपते रहते हैं, यानी कि ये सेंसर्स हैं, ये इंफॉर्मेशन देखते रहते हैं जो एनवायरनमेंट से आ रही है। ये इस इंफॉर्मेशन को पिक करते हैं डेंड्राइट, ये इनकी जो टिप है, और फिर उसके बाद एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स, बहुत कम चार्ज होता होगा लेकिन बाकायदा एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स है जो इस डेंड्राइट से सेल की बॉडी में जाती है और यहां से फिर ये एग्जॉन की तरफ आगे बढ़ती है। ये सारे जो पार्ट है ये आपस में काम करते हैं और ये एक अगर न्यूरॉन को लें तो उसका एक स्ट्रक्चर है। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस और ये एक्सॉन। अगर आपको, आपकी तरफ कोई गाड़ी आ रही है बढ़ते हुए, आप देख रहे हैं कि हाँ भाई मेरी तरफ आ रही है, तो आपका रिफ्लेक्स क्या होगा, आप उस रास्ते से हटने की कोशिश करेंगे। तो कोई भी ऐसा स्टिमुलस आया आपके सामने एनवायरनमेंट की तरफ से, तो जो आप रिस्पांस देंगे उसी को आप रिफ्लेक्स कहते हैं। रिफ्लेक्स कहते हैं ना, एकदम से जब बिजली कड़क जाती है या कुछ गिर जाता है तो आपको थोड़ा सा डर सा लगता है या थोड़ा सा दिल आपका नीचे की तरफ बैठता है, जिसे कहते हैं मेरा दिल बैठ गया, वो आपका रिफ्लेक्स होता है। आप फ्लेम पे गए, आपको चटका लगा, गर्म चटका लगा, आप क्या करते हैं, एकदम से हाथ उठा लेते हैं, तो ये रिफ्लेक्स होता है। रिफ्लेक्स आर्क क्या है, जो सेंसरी न्यूरॉन्स है वो या कहें सेंसरी न्यूरॉन्स निपेस या साइनेप्स, अब हमारे पीछे जो रीढ़ की हड्डी है ना उसके अंदर बहुत सारी वायरिंग है, तो हमको जैसे पैरों में कुछ होता है, हाथों में कुछ होता है या किसी भी पार्ट में कुछ होता है, तो हमारे यहाँ से सारी जो अलग अलग धाराएं हैं वो आपके रीढ़ की हड्डी में जाती हैं। रीढ़ की हड्डी से वो सीधा दिमाग को कनेक्ट करती हैं, यानी कि आपके न्यूरॉन्स को कनेक्ट करती हैं, और वो जो रास्ता बन रहा है इसी रास्ते को हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। यानी कि मान लीजिए आपके सामने एकदम कोई चीज़ आई, या मैं आपका जब ले रहा हूँ तो इसका मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम ले रहा हूँ, सभी के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे ही
आपकी आंखों ने कुछ देखा, आपकी आंखों ने सेंसरी न्यूरॉन को कुछ बताया, ये चला गया दिमाग में, है ना। और हुआ ये कि जैसे कोई रिस्पांस आपने लिया, जैसे मान लीजिए कोई रिस्पांस आपको मिला, एक इफेक्टर होगा, एक मोटर न्यूट्रॉन है बकायदा यहाँ पे, ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये आपका स्पाइनल रिफ्लेक्स आर्क है। जैसे बताया आपके स्पाइनल कॉर्ड में जो रीढ़ की हड्डी होती है वह लंबी सी होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जा रही होती है, फिर आप डिसीजन मेकिंग करते हैं, यहाँ पर कॉन्शियस थॉट्स हो रहे होते हैं, तो कौन सी चीज़ कैसे दिख रही है, एक तो दिख रही है, दूसरा आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे आपका हाथ गर्म चीज़ आपने पकड़ी तो क्या उस पर रिस्पॉन्स होना है, ये सारी चीज़ें इस तरीके से जाती है। ये सेंसरी न्यूरॉन है जब सेंस कर रहे होते हैं आंखों से, ये मोटर न्यूरॉन है, और ये अल्टीमेटली दिमाग पे जाती है ताकि कोई डिसीजन लिया जा सके, हिसाब हाथ को हटाना है, आगे से गाड़ी आ रही है हटना है, ये सारा रिफ्लेक्स आर्क है। नर्वस सिस्टम, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनका जो नर्वस सिस्टम है, वहां पर एक इनका अगर देखा जाए तो एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, और साथ में पेरिफेरल, उसके आसपास, जैसे कंप्यूटर होता है उसके साथ प्रिंटर को पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं, वैसे कंप्यूटर तो मेन हो गया, सीपीयू मेन हो गया, ऐसे हमारा एक सीपीयू होगा और उसके आसपास चीजें, आसपास भी नर्वस सिस्टम है, इसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कह रहे हैं। आपका दिमाग और आपकी रीढ़ की हड्डी यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स, ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये आते हैं ब्रेन और आपके स्पाइनल कॉर्ड, और उसके बाद जो आसपास के नर्वस सिस्टम है उसमें आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसमें आपकी नर्व्स होती हैं, या क्रेनियल नर्व्स होती हैं, स्पाइनल नर्व्स होती हैं, यानी कि आपके नर्व्स जहाँ भी, जैसे हर जगह आपके शरीर में एक सेंसर बना हुआ है, मतलब अगर जैसे आपको कहीं कोनी में भी चोट लगती है तो वहाँ से सीधा दिमाग को पता चल जाता है, तो वो जो कोनी में लगी वहां से सेंसरी जो जा रही है, जो स्पाइनल नर्व जा रही है, ये नर्व जा रही है, क्रेनियल नर्व जो जा रही है, वो सारी जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आती है। इंसानी ब्रेन, हमारा दिमाग, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, लेकिन बहुत ही आर्टिस्टिक स्ट्रक्चर बनाया है ऊपर वाले ने। ब्रेन चार, या कहें कि मेनली तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं इसको। एक आपका फोर ब्रेन है, एक आपका मिड ब्रेन है, एक आपका हिंड ब्रेन है, आगे का, बीच का और पीछे का। तो फोर ब्रेन जो होता है उसमें आपका सेरेब्रम होता है, हाइपोथैलेमस होता है और थैलेमस होता है। फोर ब्रेन ये इसलिए होता है या स्पेशलाइज होता है सुनने में, हियरिंग में, देखने में, व्यूइंग में, और स्मेल, जो महक आती है अच्छी हो या बुरी हो, ये इसके अलावा भी कुछ कंट्रोल करता है, जैसे आपके पैरों की जो मसल्स हैं, उसके लेग, जो लेग मसल्स है उसका मूवमेंट, उसको भी ये कंट्रोल करता है, वॉलेंटरी मूवमेंट जो हो रहे होते हैं उसके। आप देखिए जब आप चल रहे होते हैं तो आप ये सोचते हैं कि मैं चल रहा हूँ, बस आप चलते हैं, आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, अब आप चलते हैं तो कैसे हो रहा होता है, वो वॉलेंटरी मूवमेंट है, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है या फिर कुछ सोचना नहीं पड़ रहा है, चल रहे तो बस चल रहे, ये भी काम फोर ब्रेन का होता है। एक भूख, जब आपको भूख लगती है, खाना, आपको एक तीव्र इच्छा होती है खाने की, तो ये एक अलग पार्ट है फोर ब्रेन का, वहां से गवर्न हो रहा होता है। सेरेब्रम, या उसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं, इसमें चार लोब्स होते हैं, लोब का मतलब आप पार्ट मान लीजिए, एक तो पेरिटल होता है, टेम्पोरल होता है, ऑक्यूपिटल होता है और फ्रंटल लोब होते हैं, इस तरीके से ये चीजें डिवाइडेड है। तो यहां पर आप देखें जो आपको ऑरेंज में दिख रहा है ये आपका फ्रंटल लोब है, यहां पर जो ब्लू में दिख रहा है ये पेरिटल लोब है, ये आपका ऑक्यूपिटल लोब है, और यहां पर आपका टेम्पोरल लोब है। ये अलग अलग लोब्स है या भाग है ब्रेन के। मिड ब्रेन की बात करें, हमने फोर ब्रेन देखा, मिड ब्रेन की बात करें तो ये फोर ब्रेन आगे और पीछे के बीच में होता है,
फोरब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में होता है। जितने भी आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस है, वॉलेंट्री जैसे आप चलते हैं, चलने में कुछ नहीं करना पड़ता है, बस आप चलते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ करना होता है स्पेशली, यानी इनवॉलेंट्री एक्शंस जो होते हैं, जब तक आपका दिमाग या आपकी सोच उसके हिसाब इसके लिए नहीं होगी, आप वो काम नहीं करेंगे। जैसे चलने में कोई दिक्कत नहीं होती है ना, लेकिन इसके अलावा अगर आपको कुछ उठाना है, बैठना है, कुछ करना है, तो वो इनवॉलेंट्री एक्शंस कहलाते हैं। इनवॉलेंट्री एक्शंस मिड ब्रेन कवर करता है। हिंड ब्रेन यानी पीछे का इलाका समझ सकते हैं, इसमें पॉन्स होते हैं, मेड्यूला है और सेरेबेलम होता है। पॉन्स, मेड्यूला, सेरेबेलम। अब जो आपके मुंह से सलाइवा निकलता है, आपका जो ब्लड प्रेशर है, उल्टी जो आती है, आपने देखा होगा कि आप जब पहाड़ों पे जाते हैं तो कई लोग जो है उनको उल्टी महसूस होती है, ब्लड प्रेशर, कभी किसी चीज कोई चीज देखते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, घट जाता है, तो सेरेब्रम ये इसके अलावा कुछ और भी चीजें कंट्रोल करता है। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं या पेंसिल पकड़ के लिख रहे हैं, तो ये सारी चीजें, यानी कि आपके बैलेंस, आपकी बॉडी का बैलेंस, आपका पोस्चर, जैसे आप खड़े हैं, आप खड़े खड़े गिरते तो नहीं है ना। आपने देखा होगा कि जो शराबी लोग होते हैं, जो ये मदिरा पान करते हैं या जो और गलत काम करते हैं, वो ठीक से खड़े नहीं हो पाते, वो गिरते पड़ते रहते हैं। उसका कारण ये है कि उस समय यहाँ ये जो शक्ति है सेरेब्रम या हिंड ब्रेन की, वो कम हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति कह सकते हैं इसको, तो इसलिए आप वो जो ऐसा काम करते हैं वो गिरते पड़ते रहते हैं। लेकिन एक नॉर्मल आदमी, एक समझदार आदमी बिल्कुल सही खड़ा रहता है, सही बात करता है। ये अलग अलग चीजें हैं इसमें। आपका ये सेरेब्रम जो मैं आपको बता रहा था, ये सेरेब्रम है आपका, ये आपका कॉर्पस कैलोसम, ये आप जो पर्पल कलर में देख रहे हैं, थोड़ा और अंदर जाएंगे तो ये आपके वेंट्रिकल्स है, ये आपका थैलेमस है, ये मिड ब्रेन है, ये हाइपोथैलेमस है, ये ऊपर का पार्ट थैलेमस, ये नीचे का पार्ट हाइपोथैलेमस, ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स है। आपने देखा होगा कई लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है यही थायरोक्सिन आपका रिलीज करता है, अगर ये नहीं कर पा रहा है तो बॉडी के ग्रोथ में बड़ी दिक्कत आती है। पॉन्स है यहाँ पर, ये मेड्यूला है, ये आपका यहाँ पर, ये मिड ब्रेन है, ये सेरेब्रम है, और ये आपका ब्रेन का स्टेम है। तो हमारा जो ब्रेन है वो बड़ी अच्छी कवरिंग है उसकी, यानी कि एक बोवन का कवर है, उसको हम क्रेनियम कहते हैं, जो हमारे ब्रेन के आसपास जो हड्डी नुमा एक स्ट्रक्चर है उसे हम क्रेनियम कहते हैं। इसमें लिक्विड या फ्लूड होता है, और जिसे हम CSF या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड कहते हैं। ये कोई भी अगर शॉक लगे या इंजरी हो, सर पे देखेंगे आप कि कई बार बच्चे जो है वो पलट जाते हैं बिस्तर से और गिर जाते हैं, हमें भी सर पे चोट लगती है, लेकिन कुछ देर बाद हम लोग नॉर्मल हो जाते हैं। अगर हल्की चोट है तो, हल्का टकरावट है तो, क्योंकि शॉक और इंजरी होती रहती है, तो इससे प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। लेकिन और गंभीर, जैसे गाड़ी वगैरह चला रहे हैं, तो ज़रूरी है कि आप हेलमेट पहने, अपने आप को कवर करें, जब कार में जा रहे होते हैं तो सीट बेल्ट बांधें, क्योंकि अगर सीट बेल्ट नहीं बांधी है, कोई दिक्कत होती है तो सीधा सर टकराता है आपका विंडशील्ड से। अब जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, एक वर्टिब्रल कॉलम होता है स्पाइनल कॉर्ड, उससे कवर होती है, उससे आपकी गार्ड होती है। जो भी एक्शन हो रहे होते हैं, नर्वस टिश्यूज किस तरीके से इस एक्शन को अंजाम देते हैं या इसको आगे बढ़ाते हैं। नर्वस टिश्यूज, सबसे पहले जो दिमागी टिश्यूज है हमारे, वो इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, वो इसको देते हैं ब्रेन मसल्स को, वहां से फिर कार्रवाई शुरू होती है कि अभी हमारे पास ये मैसेज आ गया, अब हमें करना क्या। जो एक जंक्शन होता है, एक जंक्शन दो न्यूरॉन्स के बीच में, इसी को हम साइनेप्स कहते हैं। तो एक न्यूरॉन से लेकर दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन जाती है, ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन हो सकता है, बहुत कम चार्ज होता है, या फिर केमिकल ट्रांसमिशन हो सकता है, केमिकल्स के थ्रू जा सकता है। तो अब ये जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रिकल और केमिकल ट्रांसमिशन हो कैसे रहा है, क्या इसमें वाकई में कोई इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व है, क्या यहाँ पर कोई हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन्वॉल्व है, हमें समझना पड़ेगा। तो इसके लिए जरा डिफरेंस देखते हैं। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन
और केमिकल ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में न्यूरो ट्रांसमीटर की आवश्यकता आपको जरूरत नहीं होती है, यहां पर केमिकल ट्रांसमिशन में न्यूरो ट्रांसमीटर की आवश्यकता है। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन थोड़ा तेज फास्ट तरीका है नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन का, यानी कि इंफॉर्मेशन बहुत तेज जाती है। केमिकल ट्रांसमिशन में थोड़ा सा स्लो जाती है इसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रिकल के कंपैरिजन। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है, यानी कि इंपल्स कोई भी आ रहा है, कोई भी रिफ्लक्स आपको देना है, तो कोई भी इंपल्स आपको जो एक स्टिमुलस बॉडी को मिलता है वो यहां से यहां ट्रांसफर फटाफट होता है डायरेक्टली। इसमें क्या है, जो इंपल्स है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं होता, पहले वो मीडियम में जाएगा, मीडियम से यहां पर न्यूरॉन में जाएगा। प्लांट्स में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, प्लांट यानी कि पौधे पेड़, इनके पास कोई नर्वस सिस्टम तो होता नहीं जैसे हमारे पास दिमाग है या जानवरों के पास दिमाग है, या कोई मसल्स तो होती नहीं इनके पास ताकि इनको कोई भी अगर आपदा आ रही है या कोई भी कुछ भी चीज आ रही है तो ये रिएक्ट कर सके, ये तो है नहीं। अगर आप एक प्लांट को देखें जिसको हम कहते हैं छुई मुई, जिसे मिमोसा पुडिका, टच मी नॉट प्लांट होता है, आपके स्कूलों में जरूर आपने देखा होगा, और इसको हम छू छू के बहुत खुश भी होते हैं, खेलते हैं जब आप 6th, 7th और 5th क्लास में होते हैं, तो जब उसको छोड़ते हैं तो वो अपने आप को बंद कर लेता है, तो इन कुछ ना कुछ तो होता होगा इनमें, है ना। प्लांट्स में दो टाइप के मूवमेंट होते हैं, एक तो डिपेंडेंट होता है जो पूरी तरीके से उसके ग्रोथ पे डिपेंडेंट होता है, एक होता है जो ग्रोथ से डिपेंडेंट नहीं होता है। जब हम मिमोसा पुडिका को छूते हैं उसकी पत्तियां आपस में बंद हो जाती हैं, ओके, कोई ग्रोथ नहीं हो रहा होता उसमें, इसमें मतलब कोई ग्रोथ नहीं हो रही है लेकिन वो अपने आप को बंद कर लेते। लेकिन जब आप धान यानी कि जो पैडी होती है उसमें जो पैडी के छोटे छोटे पौधे बन जाते हैं तो उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह बोया जाता है, तो जब सीडलिंग की मूवमेंट होती है तो वहां पर ग्रोथ भी होता है। तो प्लांट किस तरीके से इंफॉर्मेशन देते हैं, कन्वे करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन होता है इनका भी, सेल टू सेल जाता है, एक सेल से दूसरे सेल में। हार्मोन्स जो बनते हैं प्लांट में और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, जैसे हमारे हार्मोन्स है, अलग अलग हार्मोन्स है हमारे पास बॉडी में, ये हार्मोन्स जो प्लांट में बनते हैं उनका क्या फंक्शन है अगर उसको देखें तो, ऑक्सिन्स जो प्लांट में बनते हैं ये रूट जड़ों की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसी साइटोकिनिन है, ये जो शूट होती है, जो शाखाएं हैं उनकी ग्रोथ और सेल के डिवीजन, तो सेल है वो आपस में एक डिवाइड होते हैं उनके लिए साइटोकिनिन होता है। और फिर जिबरेलिन ये फूल जो पैदा होते हैं, क्योंकि फूल से ही सारा रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में, पेड़ों में, तो जिबरेलिन इस फ्लावर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसी एब्सिसिक एसिड है, ये ग्रोथ को कम करता है, क्योंकि अब प्लांट की भी तो एक आयु होती है, जैसे हमारी आयु होती है, हम जाते हैं शुरुआत होते हैं बचपन में, फिर उसके बाद हम 35-40 से पहुंचते हैं, फिर उसके बाद हमारी ढलान शुरू होती है, हमारी दाढ़ी वाड़ी बाल बाल सफ़ेद होने लगते हैं, थोड़ी सी एनर्जी कम होने लगती है, और 60-70 तक आप जो है वो मतलब वही बचपन के हालात में आ जाते हैं। एब्सिसिक एसिड ये ग्रोथ को रिटार्ड करती है। ऐसे इथाइलिन है, इथाइलिन क्या है कि अब वो तो लग गए, फ्रूट तो लग गए, इसको पकाना भी तो है, वो पकेगा तभी आगे की जनरेशन बढ़ेगी और हम लोग भी खाएंगे, तो इथाइलिन ये काम करता है। मूवमेंट जो हो रही है ग्रोथ के कारण, जैसे आप टेंड्रिल्स देखें, बड़ा कॉमन एग्जांपल है, टेंड्रिल्स अगर आप टच करें तो बड़ा सेंसिटिव होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर ये संपर्क में आ जाए, जो ऑब्जेक्ट से दूर है टेंड्रिल वो ज्यादा तेज ग्रो करेगा, जो पार्ट टेंड्रिल कांटेक्ट में है वो कम ग्रो करेगा। तो इसका मतलब डायरेक्शनल मूवमेंट है, और ये आपको लगेगा कि प्लांट जो है वो मूव कर रहा है। कहने का मतलब जो लताएं होती है, लताएं आपने देखा होगा बेले या लताएं, अगर आप बेलों को लगा दें और उसको उस डंडे के हिसाब से मूव कर दें तो वो
बेलें या लताएं उस डंडे के हिसाब से मूव कर जाएगी, जैसे आपने देखा होगा लौकी का हो या फिर आपके करेले का पौधा हो, तो कैसे जाता है उसको मूवमेंट, उसका मूवमेंट ग्रोथ के कारण हो रहा है, और जहां जहां उसको जगह मिलती है, जहां जहां आप उसको मूव कराएंगे वहां मूव हो जाएगा। जो डायरेक्शनल मूवमेंट है इन प्लांट के, इनको हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। अब ये हो सकता है कि जो इसको स्टिमुलस मिल रहा है उसकी तरफ बढ़े या उसके अगेंस्ट बढ़े, स्टिमुलस के अगेंस्ट बढ़े। अब इसके एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो फोटोट्रॉपिज्म बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लाइट के कारण, अगर ऊर्जा ऊपर से लाइट दे रहे हैं आप और उसके कारण जो मूवमेंट हो रहा है उसे हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। ग्रेविटी के कारण, आपने कभी देखा कि जो आपके फल हैं वो ऊपर की तरफ लटक रहे हो, नीचे की तरफ ही रहते हैं, ग्रेविटोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म, पानी के कारण जो मूवमेंट हो रहा होता है इन मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ प्लांट में, ऐसे कीमो कीमोट्रॉपिज्म होता है। अगर कोई आप केमिकल्स का उपयोग कर रहे हैं तो उसके कारण जो मूवमेंट हो रहा होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जैसे मैसेज पासिंग होती है ना, जो केमिकल मैसेंजर सिक्रीट होते हैं बहुत कम क्वांटिटी में, हमारे पास इसकी सुविधा है इंसानों में। दो टाइप के ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड, इनमें डक्ट्स होते नहीं है ताकि वो सिक्रीशन को ले जा सके, वो हार्मोन पैदा करते हैं। ये अलग अलग पार्ट बॉडी के दिखाए गए हैं और ये आपको बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से हमारे ये कहें कि ऑर्गन्स हैं या पार्ट है जहां पर सिक्रीशन हो रहा होता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में इनसे हार्मोन निकल रहे होते हैं। जैसे हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, पीनियल है, ये थायराइड है, यहाँ पे ऐसे आपका पैराथायरॉयड है इसी जगह पे, थाइमस है, एडरनल है, यहाँ पे किडनी है, पैनक्रियास है, ओवरी है, यूट्रस, और ये आदमी का जो टेस्टिस होता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, उनके पास डक्ट्स होते ताकि वो इस सिक्रीशन को ले जा सके। तो कौन कौन से अलग अलग हार्मोन सिक्रीट होते हैं और उनके फंक्शन क्या है, काम क्या है, उनको जानना बहुत जरूरी है। अब एक एक करके हम एंडोक्राइन ग्लैंड देखेंगे और उनके फंक्शन देखेंगे। तो थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, वो आपसे कुछ चीजें चेक कराता है, आपके मेडिकल टेस्ट जो होते हैं उसमें थायराइड का चेक होता है। ऐसी पेनक्रियाज में से प्रॉपर जूसेस निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, टेस्टिस यानी कि अगर आपकी जो सेक्स संबंधी समस्या है वो यहाँ पर बड़ी चीजें आती हैं इसमें। आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, महिलाओं का जो जो गाइनी रिलेटेड इश्यूज है और इससे बड़े रिलेटेड है। तो थायराइड ग्लैंड, ये थायरोक्सिन पैदा करते हैं। अब जितना भी हमारा खाना है, चाहे उसमें कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, इनका जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है यानी कि इनसे जो एनर्जी निकलनी है वो कितनी निकल रही है, कैसे निकल रही है, ये सब थायरोक्सिन के जिम्मे है। दो तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है, हाइपोथायरॉयड या हाइपरथायरॉयड, कभी कम हो जाता है थायरोक्सिन, कभी ज्यादा हो जाता है, दोनों ही चीजें बहुत गंभीर है। तो थायराइड की जो मात्रा है बॉडी में बिल्कुल सही होनी चाहिए, यानी थायरोक्सिन अगर आप में कम है तो आप उसको लग से ले सकते हैं एक्स्ट्रा, उसके लिए गोलियां मिलती हैं, सभी के लिए गोलियां मिलती हैं। एड्रेनल ग्लैंड, इससे आपका एड्रेनलिन, एड्रेनलिन ये जो आपका उसको प्रोनाउंस करना भी बड़ा मुश्किल होता है, एड्रेनलिन। अब जब आप डर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें बड़ी ऊर्जा की जरूरत है, जिसमें बड़ी शक्ति की जरूरत है, तो वहां पर ये एड्रेनल ग्लैंड एड्रेलिन आपका सिक्रीट करता है। तो जब आप कहते हैं ना कि भाई रश ऑफ एड्रेलिन, ऐसे कहते हैं कि भाई आपने कोई ऐसा उत्तेजक काम किया, तो एड्रेनलिन एड्रेनल ग्लैंड जो है एड्रेलिन रिलीज करता है और उससे फिर आपको ये करने की शक्ति मिलती है। पैनक्रियास, पैनक्रियास इंसुलिन बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और साथ में ग्लूकेजन या ग्लूकेगॉन बनाते हैं। जितना भी ग्लूकोज बन रहा है बॉडी में उसके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत आवश्यक है इंसुलिन। अब देखिए कि अगर आपको शुगर होता है तो आप क्या क्या करते हैं,
ना, शुगर की प्रॉब्लम है, क्योंकि इंसुलिन अगर होगा तभी प्रॉपर ग्लूकोज का मैनेजमेंट हो पाएगा। इंसुलिन नहीं बन रहा है तो दिक्कत होती है, तब आपको कहते हैं कि अरे आपको शुगर हो गया है। टेस्टिस की बात करें तो ये जो मर्द हैं, आदमी लोग जो हैं, उनके हार्मोन हैं, और जो टेस्टिस होती है, यानी कि अगर आप ह्यूमन जेनिटल देखें तो पेनिस के नीचे जो दो गोल गोल से आपकी बॉल्स होती हैं, उनको हम टेस्टिस कहते हैं। वहां से टेस्टोस्टेरोन आपका ये इसकी रिलीजिंग होती है। अब इससे क्या होता है कि जैसे आप में जो दाढ़ी आ रही होती है, लड़कों में जो दाढ़ी आती है, मूंछ आती है आदमियों में, ये सारा उस टेस्टोस्टेरोन से आता है। यानी कि वो आदमी मेल, मतलब आदमी कहलाता है, मेल कहलाता है इसके कारण कि टेस्टिस से आपके हार्मोन्स निकल रहे होते हैं। वो ये हार्मोन आपको एक जैसे बलिश कंधे हैं वो चौड़े होते हैं, और छाती पे बाल होते हैं, ये सब चीजें टेस्टिस के टेस्टोस्टेरोन से आते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो जो हमारी ग्रोथ होती है, लंबाई चौड़ाई जो हो रही होती है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, वो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है हमारी हमारे लंबाई चौड़ाई के लिए। ओवरीज, अब महिलाओं की बात करते हैं, लड़कियों की बात करते हैं, ये ओवरीज ओएस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन इसको बोल सकते हैं, और इससे फीमेल का जो सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है, जैसे फीमेल्स के जो छाती पे जो स्तन होते हैं, वो जो स्तन बनती हैं या उनका जो जो फॉर्मेशन होता है कमर का या बाकी बॉडी का, वो सब ओवरीज से जो सिक्रीशन हो रहा होता है वो डिसाइड करती है। तो वो मतलब महिला दिखती है इस कारण से, उनके बाल नहीं होते हैं यहाँ पर छाती पे, उनके मूछ दाढ़ी नहीं होती, उनके बालों का ग्रोथ अच्छा होता है, इस तरीके से ओवरीज डिसाइड करती है। तो ये बात हुई इस टॉपिक की, बहुत शुक्रिया और बहुत मेहरबानी आप सभी की।